बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में। अपने इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं किसानों से जुड़े विषयों पर और साथ ही साथ उन विषयों पर आपके सवाल भी लेते हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, क्योंकि ये कार्यक्रम फ़ोन इन कार्यक्रम है। और इसके साथ ही आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहते हैं उन विषयों के एक्सपर्ट्स। तो आप अगर जानना चाहते हैं कोई भी सवाल का जवाब तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम किन विषयों पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले विषय पर बात कर लेते हैं जो कि है आज का विषय शरदकालीन फूलों की खेती। इसके अलावा आज का जो दूसरा विषय है वो है मशरूम की खेती। तो आप इन दोनों ही विषयों पर अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आप टोल फ्री नंबर पर नंबर मिला सकते हैं जो कि है 1800113060। और दूसरा नंबर भी है जो कि है 1800113061। तो आप इन दोनों टॉल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और साथ ही कोई सवाल है आपका तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही एक ऑप्शन और है जो कि व्हाट्सएप का ऑप्शन है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपका कोई सवाल है या जो भी आप कुछ अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8800520717। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना कोई सवाल अगर चाहते हैं पूछना तो वो कर सकते हैं। इसके साथ ही एक ऑप्शन और है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। तो आप इस ईमेल एड्रेस पर अपनी ईमेल कर सकते हैं, कोई सवाल है तो आप उसे भेज सकते हैं। और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं एक्सपर्ट्स। और सबसे पहले हम आपको अपने एक्सपर्ट से मिला देते हैं। बबीता जी हमारे साथ में मौजूद हैं। बबीता जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। बबीता जी वरिष्ठ वैज्ञानिक है पुष्प विज्ञान संभाग से। और इसके साथ ही बबीता जी के साथ साथ हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ेंगे स्काइप के माध्यम से जो कि हैं डॉक्टर वीपी शर्मा। वो निदेशक हैं कुंभ अनुसंधान निदेशालय से सोलन हिमाचल प्रदेश से। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और जो कॉलिंग लाइन्स हैं वो भी खुल गई हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल जो है पूछ सकते हैं, कोई जानकारी आप देना चाहते हैं तो वो भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और टॉपिक है हमारा शरदकालीन फूलों की खेती कैसे की जाती है। तो हम इस पर बात करेंगे और बबीता जी से सवाल जवाब करेंगे क्योंकि बबीता जी एक्सपर्ट्स हैं तो बेहतर जानती हैं कि क्या कुछ इसके लिए करना चाहिए। तो मैम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो शरदकालीन जो फूल होते हैं पुष्प होते हैं उनकी खेती के लिए क्या कुछ करना चाहिए, जो पूरा प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, इन शॉर्ट मतलब सबसे पहले वो जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके से आजकल अब शरदकालीन मौसम जो है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है और जो हम जिन भी फूलों की खेती इस टाइम कर रहे हैं या जिनकी हम प्लांटिंग कर चुके हैं या पौध लगा चुके हैं तो उन्हें क्या है जो कि उनकी देख रेख कैसे करनी है, उन्हें पाले से कैसे बचाना है या उनमें क्या क्या समसामयिक कार्य हम कर सकते हैं उनके बारे में मैं आपको आज बताना चाहूंगी इस प्रोग्राम के जरिए। ठीक है मैम, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि समसामयिक कार्यों के बारे में आप हमें बताएंगी तो उन कार्यों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले
देखिए, अगर हम बात करते हैं जैसे कि गुलाब की खेती अगर हम करते हैं, गुलाब सभी फूलों में सबसे मुख्य पुष्प माना जाता है, तो जिन भी किसान भाइयों को गुलाब की खेती करनी है या फिर जो भी गुलाब की खेती करना चाहते हैं, तो इस समय का जो समय है वो गुलाब की पौध तैयार करने का बहुत ही उपयुक्त समय है। जो गुलाब की पौध है वो 15 दिसंबर से 15 फरवरी का जो टाइम रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस समय हम क्या कर सकते हैं कि जो पहले से गुलाब की जो हम कटिंग, जो रूट स्टॉक जिसको कहते हैं, उससे जो तैयार पौध पे हम बड आँख चढ़ाना जिसको कहते हैं, या कलिका बडिंग का प्रोसेस कहते हैं उसको, वो कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है, जो पहले से तैयार पौधे हैं उनके ऊपर हम जो इंग्लिश गुलाब होता है उसकी कली या फिर आँख जिसको कहते हैं उसकी बड जो है वो टी बडिंग या शीट बडिंग से बांध करके प्लास्टिक से, अच्छी तरीके से प्लास्टिक के टेप से उसको बांध दिया जाता है। अगर उत्तरी भारत में हम बात करें तो हमारे पास जो मूल व्रंत, जो रूट स्टॉक तैयार करने के लिए रोजा इंडिका वैरायटी ओडोराटा है, और अगर हम साउथ दक्षिण भारत की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक बैंगलोर IHR के द्वारा एक वैरायटी जो है वो डेवलप की गई है, जिसे निष्कंटक, जो बिना कांटों वाली वैरायटी होती है, तो उससे हम रूट स्टॉक तैयार करते हैं। तो ये जो समय है गुलाब की पौध को तैयार करने का बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। तो गुलाब के लिए एक बहुत ही अच्छी वो प्रक्रिया है इस टाइम। जो भी किसान भाई गुलाब की पौध तैयार करना चाहते हैं वो काम कर सकते हैं। और जो किसान भाइयों ने गुलाब की खेती करते हैं, और एक प्रोसेस और होता है जिसको हम कहते हैं विंटरिंग, उसमें क्या होता है कि गुलाब के पौधों की कटाई छटाई करना, वैसे तो वो समय अक्टूबर के समय माना जाता है, प्रथम या द्वितीय सप्ताह में हम कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं की गई है तो वो भी किसान भाई इस टाइम पे कर सकते हैं। उसमें हमें क्या करना है कि गुलाब के जो पहले पौधे हैं उनकी जो 10 से 15 सेंटीमीटर का गड्ढा जो है वो हमें खोदना है, और उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद जो है उसको हमें डाल देना है, और कुछ टाइम के लिए धूप में, खुली धूप में उसको छोड़ देना है, और जो भी सड़ी गली जड़ें हैं उनको हटा देना है, सड़ी गली पत्तियां, टहनियां, उनको हटा देना है। और उसके साथ ही साथ उसमें हमें यूरिया, SSP और पोटेशियम सल्फेट का 1:3:2 के रेशियो में हम उसमें डाल करके और फिर गड्ढे को बंद कर देना है, जिससे कि आने वाले समय में जब फरवरी का महीना आता है, जब गुलाब के फ्लावरिंग का सीज़न होता है, तो बहुत ही अच्छी जो उपज जो होती है वो किसान भाइयों को मिलेगी अगर ये हम समसामयिक कार्य जो है अपनाते हैं। ठीक है मैम, इतनी सारी जानकारी आपने दी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले इसको समझने के लिए शरद काल में जो फूलों की खेती कैसे की जाती है, क्या कुछ होता है, उसको समझने के लिए अपने दर्शकों को एक खास रिपोर्ट दिखा देते हैं। सर्दी का मौसम फूलों की खेती के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर फूलों की खेती की जाती है। लेकिन अगर शरदकालीन फूलों की खेती की बात करें तो इस समय आप गुलाब, गेंदा और जरबेरा आदि फूलों को लगा सकते हैं। गुलाब की खेती के लिए अपने इलाके के हिसाब से उन्नत किस्मों का चयन करें। अलग अलग जगहों के लिए गुलाब की अलग अलग किस्में मौजूद हैं। आप गुलाब की कई किस्में लगा सकते हैं, जैसे पूसा अरुण। ये आकर्षक गहरे लाल रंग का होता है। इसकी खेती उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर पौधे से सर्दियों में 20 से 25 फूलों की और बसंत के मौसम में 35 से 40 फूलों की पैदावार होती है। इस किस्म में चुरडिल, आसिता रोग नहीं लगता। वहीं पूसा शताब्दी किस्म हल्के गुलाबी रंग की होती है। इसकी खेती भी उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में की जा सकती है। हर एक पौधे में सर्दियों में 20 से 30 और वसंत में 35 से 40 फूल मिलते हैं। अगर गेंदा लगाना चाहते हैं तो गेंदे की खेती अलग अलग तरह की मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसका pH मान 7 से लेकर 7.5 होना चाहिए। एक हेक्टेयर में पौध तैयार करने के लिए 800 ग्राम से 1 किलो बीज की जरूरत होती है। सिंचाई की बात करें तो सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। वहीं जरबेरा की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली हल्की छारी और उपजाऊ मिट्टी अच्छी रहती है। जरबेरा की बुआई के लिए खेत को अच्छी तरह तैयार करें। खेत को भुरभुरा बनाने के लिए रोपण से पहले 2 से 3 बार जुताई करें। इसके बाद 1 मीटर चौड़ा और 30 सेंटीमीटर उठा हुआ बेड तैयार करें।
जरबेरा की खेती में पौधों की बढ़वार के लिए सिंचाई का खास महत्व है। पौधरोपण से पहले मिट्टी की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए और पौधरोपण के बाद भी सिंचाई करनी चाहिए। सर्दियों में 10 से 12 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। तो शरदकालीन फूलों की खेती को लेकर आपने काफ़ी सारी जानकारी ली। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मशरूम को लेकर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, वीपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि मशरूम की खेती की शुरुआत से लेकर बाजार तक उसे पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके का रहता है, इन शॉर्ट आपसे जानना चाहेंगे। और जैसा आपने पूछा कि मशरूम की खेती किस तरह से इसका प्रोसेस होता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में लगभग 60 मशरूम की खेती होती है और भारतवर्ष में हम प्रमुखता से 5 मशरूम की खेती करते हैं जी। वैसे तो मशरूम का उत्पादन पूरे वर्ष भर हम कर सकते हैं, लेकिन जो मशरूम जिसका प्रचलन बहुत है भारतवर्ष में, बटन मशरूम है, जिसको कम तापमान के ऊपर, यानी कि आजकल का जो मौसम है सर्दियों का मौसम है, इसमें उसको ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए बबीता जी, वापस आपके पास आ जाते हैं कुछ टेक्निकल खामी की वजह से, लेकिन फिलहाल उससे पहले मशरूम को लेकर क्या कुछ चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ हम कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इन सब चीज़ को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जिसको हम कंपोस्ट बोल सकते हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए हमें गेहूँ का भूसा या पराली या सरसों का भूसा, उसमें चिकन मैन्योर मिलानी पड़ती है, कुछ और खाद जैसे कैल्शियम सल्फेट उसमें मिलाते हैं, चोकर उसके अंदर मिक्स किया जाता है और इस प्रोसेस को लगभग 15 से 30 दिन के अंदर इसको पूरा किया जाता है। एक बार जब खाद बन जाती है तो उसको हम थैलों में भरते हैं और 10 किलो का थैला बनाते हैं या बेड्स बनाते हैं, बेड के ऊपर इसको डाल देते हैं कमरे में, और फिर एक टेम्परेचर में बीज मिलाया जाता है। बीज मिलाने के बाद इसको विशेष तापमान के ऊपर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। लगभग 10-15 दिन के अंदर ये बीज फैल जाता है। उसके बाद बैग का मुंह खोल करके उसमें केसिंग मिट्टी की तह, जो कि एक पुराना गला सड़ा गोबर होता है या क्वायर पित्त होता है, उसकी एक तय लगभग 1 इंच की एक उसके ऊपर डाली जाती है और कमरे में हवा भी दी जाती है और तापमान को धीरे धीरे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से हम 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते हैं। अगर मौसमी खेती है तो हम जैसे मौसम के हिसाब से इसका हम चयन कर सकते हैं कि किस तरह से मौसम को इसको मैनेज करेंगे टेम्परेचर को। उसके लगभग कोई बीज डालने के 30 से 35 दिन बाद मशरूम का फसल निकलना शुरू होता है और ये फ्लशीज में आता है, यानी कि पहले एक बार उड़ान कर लेते हैं, उसके बाद 10 दिन बाद दोबारा से मशरूम निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के जो एक 10 किलो का थैला होता है उसमें से 2-2.5 किलो मशरूम 2 महीने के बाद, पूरा जो बीज डालने के बाद लगभग 2 महीने तक 2 किलो मशरूम उसमें से हम हार्वेस्ट करते हैं। जब मशरूम निकल गया तो क्योंकि इसकी पेरिशेबल होता है मशरूम, पानी की मात्रा मशरूम में बहुत ज्यादा होती है, तो इन्हें हम तुरंत मार्केट में भेजना पड़ता है और या हम इसका भंडारण 2-3 दिन के लिए, बहुत ज्यादा नहीं, रेफ्रिजरेटर में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भंडारण हमें, इसका जो है मार्केट में हमें जल्दी से जल्दी ले जाना पड़ता है और इसको हम मार्केट में 200 ग्राम की या आधा किलो के पैकेट्स बना करके इसको मार्केट में भेज सकते हैं, जहां इसका 1 या 2 दिन के अंदर ही बिक जाना चाहिए, उसका उपयोग हो जाना चाहिए। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को थोड़ी और डीपली नॉलेज के लिए हम दिखाते हैं मशरूम पर एक खास रिपोर्ट। मशरूम की खेती भूमिहीन किसानों और युवाओं के लिए मुनाफे का सौदा साबित होती है। मशरूम को खूब भी कहते हैं। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफ़ेद बटन मशरूम, सिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, एस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम लेना संभव हो पाया है। एस्टर मशरूम को ढींगरी मशरूम भी कहा जाता है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनिया सल्फेट, यूरिया पोटाश, जिप्सम, मेलाथियान और शीरे से तैयार किया जाता है।
भूसा एक साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। कंपोस्ट भरने से पहले उसमें मशरूम स्पान यानी बीज जरूर मिला लें। बटन मशरूम के कवक जाल के वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85 फीसदी नमी चाहिए। मशरूम की खेती की विशेषता है कि अन्य सब्जियों और अनाज की तरह ये ज़्यादा समय नहीं लेता और अगर बीज उपलब्ध हो तो 30 से 60 दिनों के अंदर इसकी फसल तैयार हो जाती है। मशरूम की खेती करने से पहले इसकी ट्रेनिंग ले लेना बेहतर रहता है। मशरूम को लेकर आपने जाना कि क्या कुछ चीज़ें करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ईमेल के ज़रिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती को लेकर और उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं शीतकालीन फूलों की खेती कैसे की जा सकती है। तो लगातार हम आपको हर बात बता रहे हैं और साथ ही साथ जो नंबर्स हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं कि किन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप वेट मत कीजिए, कोई सवाल आपके जहन में आ रहा है तो आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बबीता जी आपके पास वापस लौटेंगे, आपसे जानेंगे कि जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि गुलाब की खेती का या गेंदे की खेती का हमने अपने दर्शकों को रिपोर्ट भी दिखाई, तो गुलाब की खेती और गेंदे की खेती अगर करनी हो तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। देखिए गुलाब की खेती के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया कि किस कौन कौन से हम समसामयिक कार्य कर सकते हैं और गुलाब के पौधे कैसे तैयार कर सकते हैं। अगर हम गेंदे की बात करें, हाँ, तो गेंदा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फूल है जो कि खुले फूलों के रूप में जो है इसका उपयोग काफ़ी होता है, शादियों में होता है, माला के रूप में होता है, गार्लैंड हम इससे बनाते हैं या फिर और भी अधिक पूजा अर्चना में इसका उपयोग होता है। खुले फूलों के रूप में गेंदे का इस्तेमाल जो है सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो अगर और गेंदा एक ऐसा फूल है जो कि इसकी खेती हम साल भर कर सकते हैं, चाहे वो शरद ऋतु हो, चाहे वो ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे वो वर्षा ऋतु हो। तो इस समय का जो टाइम है गेंदे की खेती के लिए, जो किसान भाई इसकी प्लांटिंग कर चुके हैं, पौध लगा चुके हैं फील्ड में, उसमें इस समय ये ध्यान देने योग्य बात है कि इन्हें हमें पाले से बचाना है, क्योंकि अब जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट है, तो हमें इनको पाले से बचाना है। साथ ही साथ पाले से बचाने के लिए क्या है कि हमें इनमें पानी की सिंचाई, जो पानी देना है उसमें काफ़ी उचित मात्रा में तरीके से देना है और जल निकास का भी उचित प्रबंध होना चाहिए, जिससे कि पानी कहीं पर भी रुके नहीं, जिससे कि क्या होगा पौधे जो हैं पाले से भी बचे रहेंगे और उनकी जो होगी उचित बढ़वार भी होगी। उसके साथ ही साथ हमें इसमें अगर वीडिंग की ज़रूरत है, मतलब निराई गुड़ाई जो है वो प्रॉपर तरीके से करते रहें, और जो पौधे जो हैं वो लगभग एक दो महीने के अगर हो गए हैं, क्योंकि इसकी जो हमारा ये रेनी सी शरद ऋतु वाला गेंदा है इसकी प्लांटिंग हो चुकी है, तो हम इसमें पिंचिंग कर सकते हैं। पिंचिंग का मतलब होता है कि आप इसके जो कली का नोचन, जिससे कि अधिक बढ़वार के लिए हम इसमें पिंचिंग प्रैक्टिस अपनाते हैं। इसमें क्या है कि जब पौधों में एक या दो पत्तियों का जोड़ा ऐसे आ जाता है तो उस ऊपर की जो पत्ती होती है वो हम उसे तोड़ करके हटा देते हैं, जिससे कि उसमें अधिक से अधिक जो है वो शाखाएं आती हैं और ज़्यादा शाखाओं में ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनते हैं, जिससे कि उसकी उपज में बढ़वार मिलती है। ठीक है मैम, फिलहाल बहुत सारे कॉल्स हमारे पास आ रहे हैं। अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलबीर, जो कि पंजाब के पठानकोट से जुड़े हैं। सर क्या सवाल है आपका? बलबीर जी आपका क्या सवाल है? दलबीर जी क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? सर क्या सवाल है आपका? मैं बोल रहा हूँ, मैं मशरूम की खेती के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। जी सवाल क्या है आपका? उसकी मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। जी जी, किस तरीके की जानकारी आप चाहते हैं सर? नहीं, बटर मशरूम बटर। ठीक है, बीपी शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, दलबीर कुमार, जो कि पठानकोट से जुड़े हैं। उनका सवाल है मशरूम को लेकर, वो जानकारी चाहते हैं, तो क्या कहेंगे सर? जहां तक इसकी जानकारी का प्रश्न है, तो हमारा जो निदेशालय हिमाचल प्रदेश में सोलन शहर में स्थित है,
और हमारी वेबसाइट है हमारे इंस्टीट्यूट की dmrsolan.icr.gov.in, जिसके ऊपर किसी भी तरह जानकारी इसके ऊपर उपलब्ध रहती है। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूँ इनको कि हमारा निदेशालय समय समय पे कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता रहता है और उसमें में जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पूरा ज्ञान मशरूम की खेती के बारे में, चाहे बटन मशरूम की बात करें या उसके बीज बनाने की बात करें या दूसरे जो मशरूम होते हैं उसकी खेती की बात करें, उसका पूरा प्रशिक्षण, उसका पूरा ब्यौरा हम इनको देते हैं। इसके साथ ही हालांकि पठानकोट से सोलन बहुत ही नज़दीक, ऐसा कोई दूर नहीं है, लेकिन उससे भी नज़दीक हमारा लुधियाना में एक अखिल भारतीय कुंभ अनुसंधान परियोजना का केंद्र है जो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर है। वहाँ जाकर के भी जो भी इनको जानकारी, मुझे अब स्पष्ट नहीं कि इनको किस तरह की जानकारी चाहिए मशरूम की खेती करने के बारे में या मशरूम की खेती करते हैं उसमें कोई समस्या आ रही है उसका समाधान के लिए, तो जिस तरह का भी इनको है। और साथ में हमारे फोन नंबर हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है सीधा 01792-230-451, इस पर भी ये सीधा संपर्क हमसे कर सकते हैं और हमारे जो भी एक्सपर्ट वैज्ञानिक हैं इनकी जो भी समस्या है और उसकी समस्या के हिसाब से हम उस एक्सपर्ट से इनकी बात करवा सकते हैं और जो भी इनको जानकारी चाहिए उसको हम इनको प्राप्त करवा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दलबीर जी कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और भी जानकारी आपके साथ अभी साझा करेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे, अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी, फिर PGS ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुँचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा हाँ, अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म? हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में, और आज हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती को लेकर, साथ ही साथ हम चर्चा कर रहे हैं शीतकालीन पुष्पों को लेकर, उनकी खेती को लेकर, और लगातार हमारे पास कॉल्स भी आ रहे हैं। अगर आपके मन में भी इन विषयों पर कोई सवाल मन में आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट्स बने हुए हैं जो आपके हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जो कि हरियाणा से जुड़े हैं, जयवीर सर, क्या सवाल है आपका? जयवीर जी। हाँ। जी सर, क्या सवाल है आपका? मशरूम की खेती किस तरह से की जा सकती है? VP शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जो कि एक्सपर्ट हैं। सर आपसे जानेंगे, दर्शक का सवाल है कि मशरूम की खेती कैसे की जा सकती है। जी मेरा फिर वही उत्तर कि मशरूम की खेती एक बहुत ही तकनीकी विषय है जिसके लिए एक प्रशिक्षण का होना बहुत ही अनिवार्य है। हमारा निदेशालय समय समय पर कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगाता है किसानों के लिए, टीमों के लिए,
तो किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में सबसे पहले तो भाग लें, और जो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम हम चाहते हैं उसकी पूरी जानकारी हमारा जो वेबसाइट है हमारे निदेशालय का dmrsolan.icr.gov.in उसके ऊपर उपलब्ध रहती है, तो वहां से जानकारी हासिल कर करके किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा कि हरियाणा से हैं तो हरियाणा में हमारे दो सेंटर काम कर रहे हैं इस वक्त, एक तो महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल जिनका कि सेंटर मुरथल में स्थित है, वहाँ पे भी समय समय पर कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं, वहाँ से भी उनको जानकारी मिल सकती है। और दूसरा जो एच यू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार में, वहाँ पे भी हमारा केंद्र है एक अखिल भारतीय कुंभ अनुसंधान परियोजना का, वहाँ पे भी इनको जानकारी मिल सकती है और वहाँ पे कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं, तो किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में इनको भाग लेकर के वहाँ से जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। और अगर कुछ काम कर रहे हैं पहले से उसमें और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमसे संपर्क फोन से संपर्क कर सकते हैं और इनको जो भी इनको जानकारी चाहिए उसको इनको उपलब्ध हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं जयवीर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो लगातार हम आज बात कर रहे हैं मशरूम की खेती को लेकर और उसके साथ साथ शीतकालीन पुष्पों की खेती को लेकर हम बात कर रहे हैं। आपका कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल रुख कर लेते हैं बबीता जी का। बबीता जी आपसे जानेंगे कि जिस तरह से अभी आपने गुलाब और गेंदे की बात करी तो हम जानेंगे कि ग्लैडुलस जो होता है उसके प्लांट करने के लिए क्या कुछ चीजें करनी चाहिए। देखिए जैसे मैंने गुलाब के बारे में बताया और गेंदे के बारे में बताया, उसी तरीके से जो ग्लैडुलस है, ग्लैडुलस में जो फूल आता है वो एक डंडी के ऊपर आता है, जिसे कि हम एज ए कट फ्लावर की तरह कर्तित फूल की तरह यूज़ करते थे, उसको हम स्पाइक बोलते हैं जी। और उसका भी आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि वो कट फ्लावर है तो डेकोरेशन के लिए या अदर पर्पज़ के लिए जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। और उस ये वो भी शरदकालीन फूलों में एक प्रमुख जो है वो कट फ्लावर माना जाता है। उसकी जो प्लांटिंग है वो लगभग सितंबर अक्टूबर के महीने में उसकी बल्ब जो है उनको उपचारित करके खेतों में लगा दिया जाता है। और अभी जो है उसमें पौधे में और जो पुष्प ग्लैडुलस की जो खेती है और जो पौधे हैं उसमें बड बनना जो है वो स्पाइक आना जो है वो प्रारंभ कुछ ही समय में हो जा, कुछ वैरायटी जो अर्ली हैं वो उनमें हो जाती है, कुछ लेट वैरायटी जो हैं उनमें भी कट फ्लावर में जो जो उसकी स्पाइक है वो आना प्रारंभ हो गई है। तो क्या होता है कि पौधे का जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और इनको हम क्या है कि रेज बेड पे उठी हुई खड़ी हुई बेड्स पे जो होती हैं मेड़ों पर लगाते हैं, तो उसमें क्या है कि पौधे का भार ज़्यादा होने से पौधे जो होते हैं गिरने का उसमें आशंका बनी रहती है। तो हमें उसमें क्या करना है कि बाँस की डंडियाँ या कोई और अलग जो प्लास्टिक की डंडियाँ होती हैं उनकी सहायता से और रस्सी से हमें स्पाइक में जो पौधा है उसकी स्पाइक को सीधा करके और पौधे को सहारा दे करके उनको हम बांध सकते हैं, जिससे कि जो स्पाइक है वो सीधी बनी रहेंगी और वो पौधा जो है वो आपका गिरेगा नहीं। साथ ही साथ उसमें हमें पौधे को पाले से बचाने के लिए उसमें जो सिंचाई है वो उचित तरीके से करनी है और उसमें निराई गुड़ाई जो है वो करते रहें, और साथ ही साथ जो है उसकी जो वीड अगर खरपतवार हैं तो उन्हें भी हमें निकालना इस टाइम हम कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सत्य नारायण जो कि उड़ीसा से जुड़े हैं। सर क्या सवाल है आपका? आप तक हमारी आवाज आ पा रही है जी? सर क्या सवाल है आपका? सर आपका सवाल क्या है सत्य नारायण जी? जी जी, ठीक है। तो हमारे साथ वीपी शर्मा जी जुड़े हुए हैं। सर दर्शक का सवाल है कि जो सीड्स होते हैं वो उड़ीसा में कहाँ से ले सकते हैं? जी, जो मशरूम का सीड है उसे स्पान बोलते हैं हम, और मैंने जैसा कहा कि उड़ीसा में भी हमारा एक केंद्र है उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में, वहाँ पे हमारी एक स्पान लेबोरेटरी है जिससे इनको जो मशरूम का बीज है वो इनको मिल सकता है। और उसके साथ ही मुझे लगता है उड़ीसा में जो कि भारतवर्ष का नंबर एक राज्य है मशरूम के उत्पादन में, लगभग हर गांव में मशरूम का उत्पादन हो रहा है और हर गांव में एक या दो स्पान की लेबोरेटरीज हैं, इनको सीड वहां से मिल सकता है। लेकिन अगर सरकारी उसे लेना है तो हमारी यूनिवर्सिटी जो हमारा केंद्र है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सत्यनारायण जी हम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लगातार जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपने सवाल भेज भी रहे हैं और हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। एक दर्शक ने हमें अपना सवाल भेजा है,
जो कि विजय कुमार हैं और ये कोटा राजस्थान से इन्होंने अपना सवाल भेजा है। उनका सवाल है कि बटन मशरूम की खेती कैसे की जा सकती है और इसके जो बीज हैं वो कहाँ से लिए जा सकते हैं और साथ ही साथ जो कंपोस्ट है वो कैसे तैयार की जा सकती है। वीपी शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सवाल का जवाब आपसे चाहेंगे। जी, बटन मशरूम की खेती के लिए एक तो कंपोस्ट बनानी पड़ती है जिसको दो तरीके से बना सकते हैं, तो लंबी विधि है, एक लघु विधि है। लंबी विधि से खाद बनाने के लिए कोई भी रिसोर्सेज जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत नहीं होता, लेकिन अगर शॉर्ट मेथड से खाद बनानी है तो उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। और खाद बनाने के लिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गेहूं का भूसा, मुर्गी का पीठ और चोकर, यूरिया प्लस इसमें जिप्सम, ये कुछ इसमें लगेंगे और भूसे को पहले गीला करेंगे, फिर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, इसकी स्मैश में पे पलटाइयाँ दी जाएगी और अगर लंबी विधि से खाद बनाते हैं तो लगभग एक महीने बाद खाद बन करके तैयार होगी। जब खाद बन गई तो बीज जो कि पहले से सुरक्षित करवाना पड़ेगा, आरक्षित करवाना पड़ेगा कहीं, जैसे हमारा उदयपुर जो राजस्थान में सबसे नज़दीकी केंद्र इनको जो उदयपुर यूनिवर्सिटी है वहाँ उदयपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से इनको मिल सकता है, वहाँ पर केंद्र वहाँ बीज मशरूम का मिलता है, वहाँ से बीज उपलब्ध अपने को करवा सकते हैं। और जैसे इनको बीज इन्होंने लिया उस खाद में मिलाना पड़ेगा लगभग एक किलो बीज एक क्विंटल खाद के लिए खाद में मिलाया जाता है, जिसमें 10 बैग में उसको भर दिया जाता है। भरने के बाद फिर इनको कमरे में रखेंगे जहाँ पे तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिया जाएगा। लगभग 30 दिन के बाद इसमें केसिंग मिट्टी डाली जाएगी और अगले 5-7 दिन के बाद इसमें मशरूम निकलना शुरू हो जाएगा। निकलने के बाद फिर 2 महीने तक मशरूम का उत्पादन इसमें से आता रहेगा। तो खाद बनाने के लिए या अपने आप बनानी पड़ेगी या कुछ जो कंपोस्ट यूनिट है, प्राइवेट यूनिट्स हैं, वो भी खाद को बेचते हैं जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट कंडीशन में इसको मशरूम की खेती करते हैं, वहाँ पे भी संपर्क करके खाद अपने को कुछ ले सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि ये खाद खुद बनाएं और लंबी विधि से भी बना सकते हैं और लघु विधि से बना सकते हैं, लेकिन कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सर हम आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, वंशु मिश्रा। सर क्या सवाल है? हाँ नमस्कार जी, नंद स्वरूप मिश्रा जी। जी सर, सवाल पूछिए अपना। सर आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? नंद स्वरूप मिश्रा जी, आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? तो शायद टेक्निकल खामी की वजह से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनसे जो संपर्क टूट गया है। फिलहाल अपनी बातचीत को, अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैम आपका रुख कर लेते हैं। अब हम आपसे जानेंगे कि जो सीजनल फ्लावर्स होते हैं उनकी जो देखभाल होती है, जो देख रेख होती है, वो कैसे की जाती है? अगर हम सीजनल जो मौसमी फूल जिनकी आप बात कर रही हैं उनकी अगर हम बात करें तो इस टाइम जो है वो उनका लगाने का या जो किसान भाई उनको लगा चुके हैं वो बहुत ही अच्छा टाइम है। इस टाइम पे आप जो शरदकालीन में होने वाले मौसमी पुष्प हैं जैसे कि पिटूनिया है, पेंजी है, कैलेंड्यूला है, आइस प्लांट है, या इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो शरदकालीन पुष्प हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, और इनको आप बड़ी बड़ी क्यारियों में और रेज्ड बेड में या फिर अपने गमलों में, घरों में, बालकनी में जहाँ पे धूप आती हो, या छतों पे रूफ गार्डनिंग की तरह उसको लगा सकते हैं। तो उनकी भी जो प्लांटिंग या पौध लगाने का समय है वो लगभग उसकी जो हम नर्सरी तैयार करते हैं वो सितंबर अक्टूबर में तैयार करने के बाद उनको हम जहाँ पर भी हमें उनको लगाना है उनकी पौध तैयार होने के बाद हम उन्हें अक्टूबर नवंबर के महीने में लगा सकते हैं, खेतों में, बालकनी में, गमलों में, गार्डन में, जहाँ पे भी आपको उनको लगाना है। और उसमें भी गेंदे की तरह ही जैसे कि कुछ फूल ऐसे हैं उनमें हम पिंचिंग, कलिका नोचन का जो काम है वो इस टाइम पे कर सकते हैं। उसमें ऊपर की जो उसकी कलिका होती है उसको तोड़ देते हैं जिससे कि पत्तियाँ जो हैं उनको तोड़ दी, अभी तो पत्तियों को तोड़ दिया जाता है जिससे कि उसमें जो शाखाएँ हैं वो अधिक से अधिक आती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें फूल बनते हैं। उसके साथ ही साथ क्या है कि उसे पाले से भी बचाना है तो उसमें हमें जो सिंचाई है उसका बहुत उचित ध्यान देना चाहिए जिससे कि पौधे की जो बढ़वार है वो भी बने रहे और पौधा जो है वो पाले से बचा रहे। इसके साथ साथ उनकी निराई गुड़ाई करते रहें जिससे जो आपके पौधे हैं वो की उचित जो है हल्दी बने रहेंगे। ठीक है,
तो ये बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने साझा करी है, और भी जानकारी आपके साथ अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो हम आज बात कर रहे हैं मशरूम की खेती को लेकर, साथ ही साथ बात हो रही है शीतकालीन फूलों की खेती को लेकर, और इन विषयों पर एक बार फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी, मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में, और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं शीतकालीन फूलों की खेती को लेकर, उसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती को लेकर। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं नंद स्वरूप, जो कि बाराबंकी से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश की। सर क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जाड़े में कौन कौन से फूल की खेती में करने का सीधे फूल के फूल का जल बना, फूल का बना, फूल का बना सकते, अलावा क्या कर सकता बात कमा। ठीक ठीक है ठीक है मैम। तो हमारे दर्शक का सवाल है कि सर्दी में फूलों की खेती कैसे की जा सकती है, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तो जवाब चाहेंगे आपसे। देखिए, जैसे मैं लगातार बता रही हूँ कि शरद ऋतु का मौसम है, और शरद ऋतु में ही हमारे यहाँ पे ज़्यादातर फूलों की खेती जो है वो शरद ऋतु में ही की जाती है, चाहे वो गुलाब हो, गेंदा हो, ग्लैडुलस हो, गुलदावदी हो या फिर हमारे मौसमी फूल हो। तो उनमें ध्यान देने योग्य बात यही है कि आपको उनको कहाँ पर लगाना है, अगर खुले क्षेत्रों में लगाना है या फिर संरक्षित खेती करनी है। खुले क्षेत्रों वाले फूल जो हैं उसमें आपके गेंदा की खेती कर सकते हैं, ग्लैडुलस की खेती कर सकते हैं, गुलदावदी की जो खेती कर सकते हैं, और जो संरक्षित खेती कर सकते हैं उसमें आप गुलाब की खेती कर सकते हैं, और गुलदावदी की खेती भी आज संरक्षित खेती के तहत आती है। इसके अलावा आप संरक्षित खेती में, जिसको हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं, उसमें जरबेरा और कार्नेशन की खेती की जा सकती है। और उनमें ध्यान देने योग्य बातें यही हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो तापमान गिरता है, तो हमें क्या है कि पौधों को अपने खेतों को जो है वो पाले से बचाना है, तो उसमें पाले से बचाने के लिए उसमें उचित सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही साथ उसमें निराई गुड़ाई जो है सही तरीके से, जिसमें कि उसके खरपतवार का जो प्रकोप है वो कम से कम हो, और जो बीमारियां हैं वो भी उसमें कम से कम लगेंगी। तो इस तरीके से हम जो है शरदकालीन फूलों की खेती जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो लगातार हम बात कर रहे हैं शीतकालीन पुष्पों की खेती को लेकर, साथ ही साथ मशरूम की खेती कैसे की जा सकती है। एक दर्शक ने व्हाट्सएप पर अपना सवाल भेजा है, मैम ये सवाल आपके लिए है कि जो मैरीगोल्ड है देहरादून में, उसकी खेती कैसे की जा सकती है, उसके जो बेस्ट बीज हैं वो कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देहरादून में आप गेंदे की खेती कर सकते हैं, क्योंकि जो गेंदा है वो, और वहाँ पे आप साल भर भी लगभग गेंदा जो है उसकी खेती की जा सकती है। और अगर हम उसकी प्रजातियों की बात करें तो गेंदा में बहुत सारी प्रजातियाँ जो कि फ्रेंच, जिसको फ्रांसीसी गेंदा कहते हैं, और अफ्रीकन गेंदा कहते हैं। तो अफ्रीकन गेंदे में जो पूसा नारंगी है, पूसा बसंती, पूसा बहार, जो कि हमारे पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग पूसा IRI से डेवलप की गई हैं, वो प्रजातियां हैं। और उसके अलावा अगर हम फ्रेंच मेरीगोल्ड, जो कि फ्रांसीसी गेंदा है, उसकी बात करें, तो उसमें हमारे पास जो है पूसा अर्पिता, पूसा पर्व और पूसा
उदय पूसा उत्सव प्रजातियां जो हैं वो उपलब्ध हैं। और अगर आप इसके बीजों की बात करें तो ये आप हमारे संस्थान से भी यहाँ से आकर के ले सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो आपके राज्य स्तरीय जो कृषि विद्यालय है पंतनगर जीबी पंत विश्वविद्यालय है वहाँ से भी आप इसका जो बीज जो है वो ले सकते हैं, जो कि हमारे IRI में अगर वो वहाँ पे सूचना देते हैं तो वो आपको उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो लगातार हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, हर सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। एक और सवाल हमारे दर्शक ने व्हाट्सएप पर भेजा है और VP शर्मा जी इसका जवाब हम आपसे चाहेंगे। और सवाल है जो तरुण साहू हैं उन्होंने भेजा उत्तर प्रदेश के झांसी से, उनका सवाल है कि उन्होंने ऑयस्टर मशरूम फ्लोरिडा वेराइटी लगाई थी और जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाई, जो प्रोडक्शन उनको चाहिए था वो नहीं हो पाया, तो उनको क्या करना चाहिए, सलाह आपसे मांगे। देखिए, ऑयस्टर मशरूम की बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, और कई तरह के कारण हो सकते हैं क्योंकि इस तरह से कि क्यों कम आई इस तरह से तो एकदम बोला नहीं जा सकता, लेकिन तापमान वगैरह बहुत प्रमुख है कि तापमान क्या उसकी जो रिक्वायरमेंट है तापमान की इन्होंने उसको रखा था, क्या बीज फैला हुआ, कुछ ऐसे प्रश्न है जिनका इनको उत्तर पहले देना पड़ेगा और तभी इसका उत्तर दे पाएंगे। लेकिन जो इसकी पूरी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है कि हमें खेती की पूरी जानकारी हो, नंबर एक, तो उसका स्पान जो बीज उसका फैला क्या ठीक ढंग से फैला था, पूर्ण रूप से पूरे सबस्टेट को उसने कोलोनाइज किया था, उसके बाद जो उसको तापमान की रिक्वायरमेंट थी क्या दी, क्या हवा जो उसको चाहिए थी प्रतिदिन उन्होंने दी, लाइट उसको चाहिए होती है ऑयस्टर मशरूम की खेती के लिए, लाइट भी बहुत जरूरी है, हवा लाइट और पानी, ये सारी चीज़ें पूरी जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर दी गई होगी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई बीमारी वगैरह इनको कोई और दूसरी तरह की ग्रोथ किसी दूसरे रंग की ग्रोथ उसके ऊपर नजर आती है तो उसका भी ये सवाल हमसे कर सकते हैं, जैसा ने बताया कि हमारा जो लैंडलाइन नंबर है उस पर बात कर सकते हैं और डिटेल में हम इनसे चर्चा करेंगे कि क्या उसमें जो क्या क्या उसके कारण थे, क्या क्या उसमें लक्षण नजर आए, ताकि हम इसका पूरा जो इनकी समस्या है उसका निदान इनको दे सकें। तो इनको हम अपना जो नंबर है फोन नंबर लैंडलाइन नंबर 01792230451 इसको ये नोट कर लें और हमसे कभी भी ये दिन में बात कर सकते हैं 9 बजे से लेके 5:30 तक, तो इसका उत्तर इनको दे दिया जाएगा। और एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोपाल जी। सर क्या सवाल है आपका? गोपाल जी क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? जी गोपाल पाल जो कि असम से जुड़े हैं, सर क्या सवाल है? गिलेडुलास गोपाल जी क्या आप तक हमारी आवाज आ पा रही है? बता रही हूँ देखिए हमारी हमेशा आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो अपनी टेलीफोन वॉल्यूम बिल्कुल डाउन कर दें। जी सवाल कीजिए। गैलेडुलास खेती बागीचे में करता है लेकिन आज तक फूल में ही पता है। हेलो, तो इनका सवाल है कि फूल नहीं आ पा रहा है गैलेडुला का? जी देखिए, जैसे मैंने अभी बताया है कि गैलेडुलास की खेती जो है वो जी उसकी अगर खेती आपको करनी है तो अगर हम अपने उत्तरी भारत में जिस तरीके से उसकी बात करें तो वहाँ पर हम उसकी सितंबर अक्टूबर में जो है ग्लैडुलस के जो कॉम्स होते हैं जिनको हम कॉम्स बोलते हैं उसका गांठ होती है उसकी हम उसी को हम उसका बीज कहते हैं उसी के द्वारा जो है हम उसको उसकी प्लांटिंग करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये करना है कि जो अपने ग्लैडुलस के बल्ब हैं उनको उपचारित करके अपने फील्ड में जहाँ पे हमें जिस खेत में उसको लगाना है उनको हमें उपचारित करना चाहिए कार्बंडाजिम या मैनकोजेब के 0.2% के घोल से उनको उपचारित करें और उसके बाद ही हमें उन्हें खेतों में लगाना चाहिए। खेतों में लगाने के लिए उनको हमें रेज्ड बेड पे लगाना चाहिए, जो मेड़ों वाले खेत होते हैं उस पे लगभग 30x30 सेंटीमीटर की जो दूरी है उस पे लगाना उनको चाहिए। और उसके साथ ही साथ जो हमें उसमें खाद जो है खाद और जो पानी देना है तो वो सबसे पहले हम जो लगाने के पहले जो है हमें उसमें यूरिया
और जो NPK नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है वो हमें यूरिया SSP और पोटेशियम सल्फेट के रूप में हम उसमें दे सकते हैं, वो एक बेसल डोज के रूप में देना है जो जिसकी सारी जो पोटाश और फॉस्फोरस की मात्रा है, और जो यूरिया की मात्रा है वो आपकी प्लांटिंग के बाद लगभग एक महीने के बाद उसकी दूसरी डोज, और उसके तीसरी डोज जो है वो जब आपकी बड बनना प्रारंभ हो जाए उससे पहले हमें उसमें खाद जो है वो उस तरीके से तीन स्टेजेस में उसको देनी है। साथ ही साथ उसमें हमें सिंचाई का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और ज़रूरत के हिसाब से हमें उसमें सिंचाई करनी है, और शरद ऋतु में उसको हमें पाले से बचाने के लिए उसमें हम सिंचाई जो है वो सुचारू रूप से करनी चाहिए। साथ ही साथ हमें उसमें वीडिंग और गुड़ाई निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए, और जैसे ही बड बनना प्रारंभ हो जाए उसमें हमें स्पाइक में जो है उसमें बांस की डंडियों से उसको सपोर्ट देना चाहिए, जिससे कि उसमें हमने आपको प्लांटिंग से लेकर के जब फ्लावरिंग तक आने तक की प्रोसेस उसमें बताई है। अगर इस तरीके की आप कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसमें अपनाएंगे तो आपके ग्लैडुलस में ज़रूर फ्लावर आएगा, और ग्लैडुलस की जो खेती होती है वो खुले क्षेत्रों में धूप वाले क्षेत्रों में की जाती है, वहाँ पर छाया नहीं होनी चाहिए। शायद इस वजह से भी उनके जो ग्लैडुलस के प्लांट हैं उसमें फूल ना आ रहा हो, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर धूप की आवश्यकता होती है। तो आशा करते हैं कि सर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, नयुद्दीन जो कि झांसी से जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के। सर क्या सवाल है आपका जी? नयुद्दीन जी सवाल ये निवेदन है कि गुलाब के पेड़ों में कटाई सिंचाई और जलों में क्या क्रिया करनी चाहिए जिससे हमें अच्छी गुणवत्ता के फूल प्राप्त हो, और उसमें क्या आवश्यक बातें हैं जो जरूरी है। धन्यवाद जी। जी जी मैम, कि किस तरह से किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्या कुछ डालना जाए जिससे जो फ्लावर है वो अच्छा जी। देखिए मैंने शुरुआत में भी बताया था कि गुलाब में जो है बहुत ज़्यादा खाद जो होती है उसको चाहिए होती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि उसमें विंटरिंग जिसको हम कहते हैं वो है आपके सितंबर के महीने में पहले या दूसरे सप्ताह में हमें विंटरिंग करनी चाहिए, जिसमें क्या है कि जैसे जो आपका गुलाब का पौधा है उसके आसपास लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक के गोलाई में उसकी जो मिट्टी है काफ़ी नीचे से आपको लगभग 15-20 सेंटीमीटर तक उसको निकाल देनी है, और निकालने के बाद उसे धूप खुली धूप में कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है। उसके साथ ही साथ क्या करना है, जो भी सड़ी गली जो उसमें जड़ें हैं या फिर जो उसकी पत्तियां हैं सड़ी गली और साथ साथ उसकी शूट्स को भी हमें प्रून कर देना है। प्रूनिंग करने के बाद कटाई छटाई करने के बाद उसमें लगभग एक सप्ताह के बाद हमें उसमें खाद के रूप में आप उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डाल सकते हैं लगभग 100 से 150 ग्राम तक एक पौधे में, और उसके साथ साथ हमें उसमें जो केमिकल रासायनिक खाद है उसके रूप में आप उसमें यूरिया और सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सल्फेट जो है वो उसमें एक भाग तीन भाग और दो भाग के रूप में उसमें आपने गुलाब में 50 से 60 ग्राम एक एक पौधे को देना है, और फिर उस गड्ढे को जो आपने खोला था उसको बंद कर देना है, और बंद करने के बाद उसमें हल्की सिंचाई देनी है, जिससे क्या होगा कि जब आने वाले सीज़न में जो गुलाब के पुष्पन का टाइम होता है फरवरी में, तो उसमें आपका जो पौधा होगा वो अच्छे से फूल देगा। और एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि जब आप गुलाब के तनों की कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद क्या होता है कि उसमें डाईबैक बीमारी होती है, उसको उल्टा जो कहते हैं रोग लगने के चांसेस रहते हैं, जिसमें गुलाब का पौधा ऊपर से नीचे की तरफ सूखता है। तो उसमें हमेशा कटाई करने के बाद जो है उसकी जो कटे हुए भाग को हमें क्या करना चाहिए, एक तो उसे जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए, और दूसरी बात कि जो कटा हुआ भाग है वहाँ पर हमें चौबटिया पेस्ट वो उसका पेस्ट लगाना चाहिए। ये जो पेस्ट होता है वो आपका कॉपर कार्बोनेट रेड लेड और लिनसीड ये जो होता है ये चार चार पांच भाग में इसका एक पेस्ट तैयार करते हैं, उस पेस्ट को उस पर आपको लगा देना चाहिए, जिससे कि उसमें जो ये डाईबैक बीमारी है वो नहीं आएगी और आपका पौधा जो है वो स्वस्थ बना रहेगा। ठीक है, तो नईमुद्दीन जी हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती को लेकर, साथ ही साथ शीतकालीन जो फूल होते हैं उनकी खेती कैसे की जा सकती है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर
आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेलो किसान में, और आज हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती को लेकर, साथ ही हम चर्चा कर रहे हैं शीतकालीन फूलों की खेती को लेकर। लगातार दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, साथ ही साथ ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक और दर्शक ने हमें अभी सवाल भेजा है व्हाट्सएप पर, और ये हैं एमएम नारंग जी जो कि दिल्ली से हैं, और उनका सवाल है कि क्या मशरूम, जो बटन मशरूम होती है, उसे छत पर उगाया जा सकता है या फिर उनको अपने छत पर कोई शेड बनानी पड़ेगी या कोई रूम स्पेशली तैयार करना पड़ेगा ताकि टेम्परेरी तौर पर वो उसको उगा सके। तो वीपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर आपके लिए ये सवाल। एक विशेष तापमान के ऊपर की जाती है और उसमें नमी का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो खुले में तो मशरूम की खेती करना संभव नहीं है। इसके लिए छत के ऊपर अगर करना चाहते हैं तो उनको एक टेम्परेरी शेड, जैसा कि उन्होंने खुद ही सुझाव दिया, उस तरह का शेड का निर्माण करना पड़ेगा। और उसमें जो एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है मशरूम की खेती के लिए, बटन मशरूम की अगर बात कर रहे हैं तो उसके लिए जैसे ठंड के तापमान जो होता है, वेस्टर्न मशरूम थोड़ा गर्म तापमान के ऊपर उगाया जा सकता है, तो मशरूम के ऊपर डिपेंड करते हुए जो भी मशरूम है उस पर उगाया जा सकता है, लेकिन शेड बनाना बहुत ही जरूरी है। तो एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जय सिंह सर, क्या सवाल है आपका? मैडम, गुलाब का फूल लगाना चाह रहे हैं मैडम, मिट्टी कौन सी सही रहेगी? एक बार फिर से रिपीट कीजिए सर। ये कह रहे हैं मैडम, जो गुलाब का फूल लगा है उसके लिए कौन से मिट्टी या गमले में लगा लें तो गुलाब हो जाएगा? ठीक है, ठीक है। तो दर्शक का सवाल है बबीता जी कि गुलाब का पौधा अगर लगाना है तो किस मिट्टी का उपयोग करना चाहिए और क्या वो गमले में उग सकता है अच्छे तरीके से, अगर खेती करनी हो तो? जी, गुलाब के पौधे को अगर आपको गमलों में खेती करनी है तो हाँ, उसको आप बिल्कुल गमले में लगा सकते हैं, और उसके लिए जो मिट्टी है वो आपकी बलुई दोमट मिट्टी जो है उसमें आप लगा सकते हैं आसानी से। और उसके साथ ही साथ उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपको मिट्टी के गमले में लगाना है या फिर प्लास्टिक के गमलों में लगाना है, उसको लगाने के बाद सबसे ध्यान देने योग्य बात यही है कि उसको आपको धूप में रखना है, क्योंकि गुलाब का पौधा जो होता है उसको धूप की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। तो आप अपने गमले में पौधा अगर गुलाब का जहाँ पर भी लगाएं, लेकिन उसको जो है लगभग 8 से 10 घंटे की जो धूप है उसको वो चाहिए होगी। तो आप अपने पौधे को जहाँ पर भी रखें वहाँ धूप आनी चाहिए। आप उसको बालकनी में रख रहे हैं, आप उसको अपनी छत पे रख रहे हैं, आप उसको अपने गार्डन में रख रहे हैं, जहाँ पर भी रखना है लेकिन वहाँ पे धूप आनी चाहिए। तो जय सिंह जी, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। लगातार हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती और शीतकालीन पुष्पों की खेती के लिए, लगातार हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं उन वो सभी सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। वीपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सभी सवालों का जवाब दिया और जानकारी उन तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और बबीता जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, जैसे कि अभी गमले को लेकर भी हमारे दर्शक ने एक सवाल किया था, तो सवाल यही है कि जो गमले में पौधे लगाए जाते हैं उनकी देखरेख कैसे की जा सकती है? देखिए, जो गमले वाले पौधे जिनको हो कि हम ऑर्नामेंटल प्लांट, जो कि ज़्यादातर फूलों वाले नहीं, सिर्फ हरी पत्तियां उसमें आती हैं लेकिन वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, जिसमें कि आपका
क्रोटन होता है, डिफन बेकिया होता है, पाम्स होते हैं, मनी प्लांट्स हैं, पोथोस हैं, ड्रेसिनाज होते हैं, जिनको कि हम गमले में लगाते हैं। और आजकल आप देख भी रहे होंगे कि जैसे बहुत ज़्यादा पर्यावरण में प्रदूषण है, तो लोग भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं, जो कि अब घरों में भी इंडोर प्लांट्स के रूप में भी हम प्लांट्स जो हैं अपने घरों में रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं। तो जो गमले वाले पौधे हैं, अगर इस टाइम हम बात करें तो क्या है कि टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन हो रहा है, तापमान में गिरावट आ रही है, और जो भी लोग अपने पौधों को जैसे खुली छतों पे रखा हुआ है, तो उसमें क्या है कि पाला पड़ता है, जिसकी वजह से पौधों की पत्तियां जो हैं वो सूखने लगती हैं, पीली पड़ने लगती हैं। तो जो बहुत ज़्यादा जो डेलिकेट से पौधे हैं, उनको बचाने के लिए अगर चाहें तो आप उसके ऊपर एक शेड नेट जो है वो डाल सकते हैं, जिससे कि जो पौधे हैं वो ज़्यादा तापमान की वजह से उनमें जो है वो जो पत्तियाँ हैं वो सूखेंगी नहीं। और साथ ही साथ उसमें कि पानी भी डालना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर अगर तापमान कम है तो उसमें पानी की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पानी जो है उसकी उचित बढ़वार और साथ साथ पाला से बचाने में भी काफ़ी सहायक होता है। और उसमें निराई गुड़ाई जो उचित तरीके से करते रहें, और साथ ही साथ अगर उसमें खाद डालने की ज़रूरत है तो उसमें आप ऑर्गेनिक जो खाद हैं या रासायनिक खाद जो हैं उनका उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे कि जो ठंड के मौसम में आपके पौधे जो हैं वो स्वस्थ और अच्छे बने रहेंगे। ठीक है बबीता जी, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, हर सवाल का जवाब भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो बात करी हमने, चर्चा करी आज के दो विषयों पर, जो कि मशरूम की खेती को लेकर रहा। इसके साथ साथ आज हमने बात करी शीतकालीन फूलों की खेती कैसे की जा सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि अगले एपिसोड में हम किन दो विषयों पर बात करेंगे। तो पहला विषय है मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण, और दूसरा विषय रहेगा सरसों फसल की देखभाल। तो लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने सवालों को भेजने के लिए आप हमको ईमेल कर सकते हैं। कोई क्वेरी है आपकी, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellokisan2015@gmail.com। और इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ साथ आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉलिंग नंबर है 1800113060। और अगर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देखना चाहते हैं और इस कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जाकर हेलो किसान को देख सकते हैं। इस कार्यक्रम को देखकर एक बार फिर से जानकारी ले सकते हैं, एक बार फिर से तमाम जो सूचना है वो ले सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।